साथियों नमस्कार। आज से हम लोग जो है बहुत बड़ी हिंदी साहित्य की सीरीज को शुरू कर रहे हैं साथियों, और यहां पर मैं केवल आपको इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा साथियों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो हिंदी साहित्य का इतिहास, जहां पर भी आता है, चाहे वो EMRS का एग्जाम हो, चाहे PGT हो, चाहे TGT हो, चाहे DSSB में PGT TGT हो या LT ग्रेड हो, साथियों कहीं भी किसी भी स्टेट का अगर आप हिंदी साहित्य जहां पर भी आता है वहां का एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आप लोगों के वहां पर जरूर से जरूर बनेंगे साथियों। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, आदिकाल से प्रश्न हम लोगों ने उठाए हैं सबसे पहले, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप लोग जरूर इनको सोल्व कीजिएगा। हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा? जो हिंदियों का कवियों का जो वृत्त संग्रह है वो ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा कब लिखा गया था साथियों? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 1883 में, 1883 में, ठीक है। शिव सिंह सेंगर के इतिहास का नाम क्या है? सबको पता है शिव सिंह सेंगर के इतिहास का नाम है शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न, तीसरे नंबर का प्रश्न आता है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, 1888 में लिखा था, 1889 में ये इन्होंने प्रकाशित किया था साथियों, लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन राइट माना जाएगा साथियों। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, 1889 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा ये लिखा गया था अपना ग्रंथ, और इस ग्रंथ का नाम क्या था? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इस ग्रंथ का नाम था साथियों। तो ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या रखा गया है? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इनका नाम रखा गया था इनके ग्रंथ का। तो ये अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखित? मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कवित्त वृत्त संग्रह यानी कि इतिहास ग्रंथ की रचना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जरूर से जरूर पूरा वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह के प्रश्न आप कंटिन्यू अगर चाहते हैं तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए कि सर इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट है आप डालते रहिए, तो मैं कंटिन्यू डालता रहूंगा साथियों। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, आप भी हमारी फैमिली का मेंबर बन जाइए। तो मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कवि वृत्त संग्रह या इतिहास ग्रंथ है साथियों, वह कब लिखा गया? 1913 इसका आंसर आएगा साथियों, 1912 भी दिया होता है लेकिन 1913 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित है? मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित जो मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है वो कितने भागों में प्रकाशित है साथियों? तीन भागों में प्रकाशित है। कितने भागों में? तीन भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किस इतिहासकार ने रखा था? आदिकाल का जो नाम है वीर गाथा काल जो है, कौन सा इतिहासकार है जिसने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था साथियों? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही हम लोग मानते हैं साथियों। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, अगला प्रश्न मतलब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्य पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? आठवें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितनी मानी है साथियों? चार, याद रखना इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में जो साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है वो कितनी मानी है? चार मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देशभाषा काव्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देशभाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की गणना की है साथियों? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आठ पुस्तकों की गणना करिए। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्य पुस्तकों की संख्या चार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देशभाषा काव्य की कितनी पुस्तकों की गणना की है? आठ पुस्तकों की गणना की है, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
कौन सा रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा रासो ग्रंथ है जो वीर गाथात्मक नहीं है? हमीर रासो, बिसल देव रासो, विजयपाल रासो या फिर खुमान रासो, कौन सा इसमें नहीं आएगा? बिसल देव रासो साथियों, बिसल देव रासो। ये बिसल देव रासो एक विरह काव्य है, एक श्रृंगार रस के इसके अंदर है, ये वीर गाथात्मक नहीं है। अनेक बार अनेक जगह पर अनेक परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथात्मक काल की चार साहित्यिक पुस्तकें, अभी मैंने बताया था चार साहित्यिक पुस्तकें इसमें ली गई है, वो कौन कौन सी चार साहित्यिक पुस्तकें? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पता का साथियों। ये चार पुस्तकें हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की चार साहित्य की पुस्तकें मानी है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कीर्ति लता और कीर्ति पता का, विद्या भारती की, हमीर रासो और हमीर रासो सारंगधर और विजयपाल रासो, ये इसमें मानी गई है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर से किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर से किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनेक बार पूछा गया है लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सब स्टूडेंट को ये पता होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब लिखा था? 1929 में लिखा था, सबको पता होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में किन रचनाओं का सहारा लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसी कौन सी रचनाएं रही हैं जिनका सहारा लिया अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए? तो इसमें 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा पहला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन, पहले तो वीर मिश्र बिंदु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला और कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार। साथियों ये क्वेश्चन आपको अनेक जगह ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूं सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, जनता की चितवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है, जनता की चितवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, ये किसने कहा था? 50 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कहा गया। आदिकाल या वीरगाथा काल की रामचंद्र शुक्ल ने क्या समय सीमा रखी है? 60 नंबर क्वेश्चन में संवत 1050 से 1375 की समय सीमा इन्होंने रखी है साथियों। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना जाता है साथियों वो कहां से माना जाता है? ये अपभ्रंश से माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना, प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव है वो किसके द्वारा माना गया है साथियों? 80 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो प्राकृत है उसकी अंतिम अवस्था है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 नंबर का, उस समय जैसे गाथा या गाहा करने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे दोहा या दुहा करने से अपभ्रंश का बोध होता है, किसके द्वारा कहा गया? 19 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये बात कही गई है, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है साथियों, इंपॉर्टेंट बात है। अगला, अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी के पद्यों के उदाहरण पहले मिलते हैं, अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी के पद्यों के उदाहरण पहले मिलते हैं, ये कहां से बात आती है? अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी के पद्यों के उदाहरण पहले मिलते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन में, कहां मिलते हैं? बौद्ध में, बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। मुंज या मुंज और भोज का समय क्या माना गया है? मुंज और भोज का समय संवत 1050 माना गया है। महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक की अवधि को आधिकला माना है, आधिकाल माना है, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आदिकाल में अनेक बार पूछी जाती है ये लाइन, ऐसी कैसी उठ करके आती है साथियों, आप जरूर से जरूर जो है इन क्वेश्चंस का
आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें, वीडियो को ढंग से सुने और जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें साथियों। तो यहाँ पर 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। सबको पता है ये लाइन, अमीर खुसरो। बालचंद बिजवाई भाषा दुहु नहीं लगही दुज्जन हासा, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति विद्यापति की पंक्ति है साथियों, 24 नंबर में। बालचंद बिजवाई भाषा दुहु नहीं लगही दुज्जन हासा, ये पंक्ति विद्यापति की। अग्नि जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारे बिचारी, साथियों ये आंसर हो जाएगा कबीर दास जी का। अग्नि जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी और उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी, अनेक बार पंक्ति पूछी जाती है कबीर दास जी ने। देसिल बहना सब जन मिठा ते तसना जपो अब अवट्टा, देसिल बहना सब जन मिठा ते तेसन जपो अवट्टा, साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अनेक बार पूछी गई लाइन है, इसमें विद्यापति ही आंसर है। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक आप सबको पता है, 100% सबको पता है, कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आदिकाल के पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृत प्रकाश के रचयिता, जो प्राकृत प्रकाश जो पुस्तक है उसके रचयिता किसको माना गया है? इसमें वर रुचि को माना गया है, प्राकृत प्रकाश के रचयिता वर रुचि को माना गया है साथियों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? अपभ्रंश नाम जो है पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है साथियों? सबको पता होना चाहिए, 29 क्वेश्चन में आंसर राइट हो जाएगा, वल्लभी राजा धारसेन दित्ते। वल्लभी राजा धारसेन दित्ते सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। भरत मुनि का समय, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, आप लोग भी जरूर पढ़िएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन का भरत मुनि का जो समय माना जाता है वो विक्रमी विक्रम तीसरी सदी से माना जाता है। भामह का जो समय माना जाता है 31 नंबर के क्वेश्चन में विक्रम सातवीं सदी, विक्रम संवत की सातवीं सदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता चलता है? अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता चलता है विक्रम सातवीं सदी में। देवसेन का जो समय है वो क्या माना गया है? देवसेन का जो समय है वो माना गया है संवत 990। देवसेन का समय संवत 990। श्रावकाचार किसकी रचना है साथियों? सबको पता है देवसेन की रचना है। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। दब सहाव प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश, दब सहाव प्रयास प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश किसकी रचना मानी गई है? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा देवेश, द से द याद कर लेना, ठीक है। पुष्पदंत का समय संवत 1029, संवत 1029। पुष्पदंत का जो समय माना गया है संवत 1029 माना गया है। आदि पुराण और उत्तर पुराण रचना के रचयिता कौन है? आदि पुराण और उत्तर पुराण रचना के रचयिता है पुष्पदंत। जसोहुचरिव किस जैन कवि की रचना मानी जाती है? पुष्पदंत की। जसोहुचरित किसकी रचना है? पुष्पदंत की। बौद्धों का प्रभाव किन भागों में था? बौद्धों का प्रभाव किन भागों में सबसे ज्यादा रहा है? पूर्वी भागों में। बौद्धों का प्रभाव कहाँ रहा सबसे ज्यादा? पूर्वी भागों में। और सिद्धों का जो मुख्यतः क्षेत्र रहा है वो क्या रहा है साथियों? बिहार से आसाम तक। सिद्धों का मुख्य क्षेत्र बिहार से आसाम तक रहा है साथियों। साथियों ये 40 क्वेश्चन है, हर बार इस तरह से 40 क्वेश्चन का आप लोगों को पेपर मिलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे साथियों, इसलिए चैनल से जुड़िए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए साथियों। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इसी तरह से 40 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो आपने वीडियो देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।